हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो डेली की तरह आज भी करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों के लिए हाजिर है। आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स के पोर्शन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर करवाते हैं। ठीक है, तो यानी एक ही क्लास में आप लोगों को यहाँ पर दो फायदे मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जितने भी एडिशनल जानकारियाँ होती हैं और जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दिया हुआ। इससे पहले मैं थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया है पेन। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक पूछी जा रही है, तो इस वर्ष भारत की जो रैंक रही है उसे जो है 23वीं रही है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो टॉप के जो तीन देश रहे हैं उनमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूके यानी यूनाइटेड किंग रहा है, और यूनाइटेड किंगडम जो है दूसरे स्थान पर रहा है, और तीसरा स्थान जो है इजराइल ने हासिल किया है। इंडिया जैसा कि मैंने बताया है 23वें स्थान पर रहा है। और बात करते हैं पिछले वर्ष की रैंकिंग की, तो पिछले वर्ष इसे 17वें स्थान पर रखा गया था। अच्छा, जारी किसके द्वारा किया जाता है यह? तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आई होप कि चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को एंड तक बने रहिए, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सीखने को आज भी मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भारतीय लेखिका ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीत लिया है। तो कृतिका पांडे ने जीता है जो कि एशिया रीजन के लिए यह कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यह पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है, और 2020 में 5 रीजन के जो पुरस्कार विजेता रहे हैं उन 5 रीजन के पुरस्कार विजेताओं की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अफ्रीका रीजन के लिए दिया गया है नाइजीरियाई लेखक इनोसेंट चीजा राम इलो को। ठीक है, और किसके लिए दिया गया है? तो इन्होंने लिखा है व्हेन अ वुमन रेनाउंस मदरहुड के लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है अफ्रीका रीजन के लिए। बात करते हैं एशिया रीजन की, तो जैसा कि मैंने क्वेश्चंस में ही आप लोगों को डिस्कस कर दिया गया है, कृतिका पांडे को दिया गया है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बनेगा। किसके लिए दिया गया है? तो इस चीज को आप लोग फिर से देख लीजिए, द ग्रेट इंडियन द टी एंड स्नैक्स के लिए। ठीक है, बात करते हैं कनाडा और यूरोप रीजन के लिए, तो इस रीजन में प्राप्त हुआ है ब्रिटिश के लेखक हैं रेयाह मार्टिन, और इन्हें दिया गया है वेरेवर मिस्टर जेंसन वेंट के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं कैरेबियन रीजन्स में देख लेते हैं, तो जमैका के लेखक को दिया गया है ब्रायन एस हीप जो कि हैं। किसके लिए दिया गया है? तो मफूटू के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है पैसिफिक रीजन की अगर बात करेंगे, तो इसमें मिला है ऑस्ट्रेलिया के लेखक रहे हैं एंड्रिया ई मैकलॉट। ठीक है, किसके लिए? तो द आर्ट ऑफ वेविंग्स के लिए इन्हें दिया गया है। तो आई होप की चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। यहाँ पर मैंने जितने भी रीजन्स में मिला हुआ है यह पुरस्कार सभी को, तो उन सभी रीजन्स के लोगों के नाम को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है यह 5 जून को, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस दिवस के मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के जो है बारे में अवेयर करना है। ठीक है, हर वर्ष यह 5 जून को मनाया जाता है जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। अच्छा, इसे दिवस को जो मनाया जाता है किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी? तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। तो 2020 की जो थीम रही है क्या रही है इस दिवस की? तो थीम इस वर्ष की रही है जैव विविधता। क्या रही है? तो जैव विविधता। थीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं दोस्तों एग्जाम्स के लिए, तो आप लोगों को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं
और जिनकी थीम इम्पॉर्टेंट होती है मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो रही है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इस वर्ष की थीम रही है। जानेंगे जून महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हो सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो 1 जून को जो है हम 3 इम्पॉर्टेंट डेज को मनाते हैं, कौन सा है तो विश्व दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और माता पिता दिवस, एक ही जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो विश्व दुग्ध दिवस की थीम इस वर्ष रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगी, और यहाँ पर जो है इस थीम के आप लोगों को पता होना चाहिए, तो रही है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, यही रही है इस वर्ष की थीम, क्योंकि 20वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है इस वर्ष, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर जून महीने के इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में, तो अभी और भी बचे हुए डेज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। थीम क्या रही है तो जैव विविधता रही है इस वर्ष की थीम। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाएगा। 20 जून की बात करेंगे तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये जितने भी डेज थे यहाँ पर डिस्कस किया गया है ये इंपॉर्टेंट डेज थे, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को बार बार रिवाइज कराया जाता है, जिससे जो है कम से कम आने वाले वीडियोस 4 से 6 वीडियोस में आप लोगों को बार बार रिवीजन की प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़े, और वो चीज़ें आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो चुके, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं। तो कार्यकारी निदेशक यानी विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है जो है आपके बने जाते हैं राजीव टोपा ने, ठीक है ना। तो राजीव टोपने को जो है नियुक्त किया गया है, इनका नाम इम्पॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो राजीव टोपनों को नियुक्त किया गया है, देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है। तो स्थापना इसकी जुलाई 1944 यानी 1944 में की गई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जिसका फुल फॉर्म होता है डीसी का, ठीक है, यहीं पर है। और एमडी एनसीएफओ कौन है तो अंशुला कांत एमडी एनसीएफओ हो जाएंगे। इसकी अध्यक्ष कौन है तो डेविड मालपास इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आई होप की चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है 2021 में यूनिक ट्विन समिट जो है की मेजबानी कौन करेगा। तो इस समिट का जो मेजबानी की जाएगी इसकी मेजबानी करेगा WEF, ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। बात आई है WEF की, तो इसका फुल फॉर्म होगा क्या तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाता है WEF का फुल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, विश्व आर्थिक मंच हिंदी में इसे कहेंगे। स्थापना कब की गई थी WEF की तो जनवरी 1971 यानी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय इसका जिनेवा यानी कोलगनी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अध्यक्ष कौन है तो क्लाउस सकावा इसके अध्यक्ष जो है हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी WEF से रिलेटेड। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बनता है किस राज्य की पुलिस स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान को शुरू किया है तो यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इसका जो उद्देश्य क्या रहा है तो इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि COVID-19 चल रहा है और पुलिस प्रशासन को ही काफ़ी हद तक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत सारे पुलिस कर्मचारी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो इस डिप्रेशन और इन परिस्थितियों से निकालने के लिए कुछ ऐसे अभियान की जो है शुरुआत की जा रही है। बात आई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की, तो यहाँ पर जितने भी स्टैटिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग अभी ज्ञानपुर पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखा कीजिए। चैनल पर डेली ये क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, तो डेली बेसिस पर आप लोग हमसे जुड़िए और क्लासेस का मजा लीजिए फ्री में, ठीक है। इन क्लासेस के साथ आप लोगों को जो करंट अफेयर्स के साथ ही साथ और भी कुछ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस कराया जाता है, तो उन सभी फैक्ट्स को भी आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो 1 नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना की गई थी और यह 26वां राज्य बना था, ठीक है। राजधानी यहाँ की अटल नगर यानी नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो जाएंगे जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। गवर्नर की बात करेंगे तो अनुसुईया उइके हो जाएंगी। गवर्नर जैसा कि आप लोगों ने देखा कौन है, तो अनुसुईया उइके जी हैं यहाँ की गवर्नर। और छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं पी आर रामचंद्र मेनन, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है, तो जंगली भैंसा यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी हिला जो है हिल मैन है सॉरी हिल मैना जो है हिल मैना यहाँ की राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो शाल हो जाएगा यहाँ का राजकीय वृक्ष, ठीक है। सात पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ के सात पड़ोसी राज्य हो जाते हैं कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये सेवन स्टेट्स जो है बाउंड्री लाइन शेयर करती हैं छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप यानी मेरा वेतन लॉन्च किया है। तो मेरा वेतन जो ऐप को लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा, यानी ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। फिलहाल हम देखेंगे इन सभी चीज़ों को इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ठीक है। तो जो ये जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है इसका उद्देश्य क्या है, आप लोगों को इसके उद्देश्य के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी, उन्हें वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना होगा इसका उद्देश्य। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो आप लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में भी थोड़ा अपडेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के लिए आपके। तो जम्मू कश्मीर जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था आपको पता ही होगा, लेकिन अब अनुच्छेद 370 यहाँ से खत्म होने के कारण अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ के उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं यहाँ के उपराज्यपाल। नेम इंपॉर्टेंट बनेगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है, क्या नाम है उसका, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी। कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था, तो चेनानी नासरी सुरंग था इसका पुराना नाम। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह NH44 पर स्थित है, ठीक है, जो कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए मूव करते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। तो वुलर झील जो कि इंपॉर्टेंट बनती है, यह भी जो कि भारत की ताजे पानी की झील मानी जाती है यहीं पर है। और डल झील भी जो कि श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें जो हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगी, आप लोग देख लीजिए। तो डल झील, नागिन झील, गारसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वैरी नाग झील, शेषनाग झील, कौसर नाग झील, मोरीरी झील हो गया, ये मोरीरी झील जो है ये लद्दाख में है, गंगा बल झील और मानस बल झील, ये सभी झीलें यहीं आपके जम्मू एंड कश्मीर में। और सेकंड चीज़ ये इंपॉर्टेंट बनती है कि एक आप लोग यहाँ पर ट्रिक भी अपने माइंड में रख लीजिए, जितनी भी झीलों के लास्ट में नाग करके आए याद कर लीजिए, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से ही रिलेटेड होंगी मोस्ट प्रोबेबली। ये सभी झीलें कहाँ की हैं, तो जम्मू कश्मीर की हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर नागिन झील हो गया, या अनंतनाग झील हो गया, वैरी नाग, नाग शेष नाग, ये नाग जितने भी करके आ रहे हैं, ये सभी झीलें आपकी कहाँ पे होंगी, तो जम्मू कश्मीर में होंगी। तो चीज़ें क्लियर होंगी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने वाला बैंक कौन सा बन गया है, तो इंडस इंड बैंक बन गया है, ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके अभी कोई जो है बिना पेन और पेपर के ही पेपरलेस तरीके से अब बैंक यानी सेविंग्स अकाउंट्स को खोला जाएगा, किस बैंक के द्वारा, तो इंडस इंड बैंक के द्वारा, ठीक है।
अब देख लेते हैं अब इस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात तो इंड जो बैंक है या मोबाइल एप्लीकेशन जो बताया अभी मैंने सुविधा शुरू करने वाला है और भारत का यह पहला बैंक बन गया है ऐसा करने वाला, यानी पेपरलेस अकाउंट खोलने वाला ऑनलाइन। ठीक है, बात आई है इंड बैंक की, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो कब की गई थी इंडसइंड बैंक की स्थापना, तो 1994 यानी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। टैगलाइन क्या है, तो वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, वी मेक यू फील रिचर इस वर्ष की इसकी टैग लाइन रही है और मुख्यालय इसका पुणे में है। एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो रोमेश शुभती इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, संस्थापक इसके एसपी हिंदुजा हैं। तो चीजें यहां पर क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर बनता है कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो यह रखा गया है श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ठीक है ना, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया गया है, यानी ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीजें क्लियर होंगी, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने की बातें नहीं है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है, तो यह मेजबानी की गई है ब्रिटेन के द्वारा, यानी ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया हुआ है यहां पर ब्रिटेन यानी कि यूके के बारे में, तो ब्रिटेन जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी यहाँ की लंदन है, करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपने जो भी विचार हो हमें बताइए। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो के बारे में भी बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और जानकारी आप लोगों को नॉलेजेबल है या नहीं है इसके बारे में भी हमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो और भी वीडियो जो है चैनल पर पड़ती हैं तो उन सभी वीडियोस को भी आप लोग यहां पर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर दिया हुआ है मध्य अमेरिकी देशों को किस तूफान ने प्रभावित किया है, तो मध्य अमेरिकी जो देश हैं यहां पर इस समय जो है अमांडा करके तूफान है, इसने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में भारत में भी कई तूफान आए जिसमें निसर्ग रहा है, अम्फान रहा है ना, तो इन सभी के बारे में भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बातें बताई गई हैं और उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बताया गया है, तो आप लोग इन सभी फैक्ट्स को भी जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो यह जो आयोजन किया गया है यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत यानी अपने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा देख लीजिए। तो राजधानी यहाँ की कैनबरा है, करेंसी क्या है, तो डॉलर चलती है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हो जाएंगे। तो आई होप की चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस देश की जिलो मोल मैरियट थॉमस बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। तो ये जो जिलो मोल मैरियट थॉमस है ये इनके पास हाथ नहीं है और यह बिना हाथों के ही कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं और ये जो है आपके इंडिया की ही है। ठीक है ना, तो ये हमारे भारत की ही है जिलो मोल मैरियट थॉमस। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जिलो मोट मैरियन जो है ये जो है ये केरल राज्य से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, तो इंडिया के केरल राज्य से आती हैं जिलो मोल मैरियट थॉमस। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने पिगट एसए को किस कंपनी के साथ विलय किया है, तो यह विलय जो है ये यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनेगा यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो यह विलय किया गया है फिएट क्रिसर ऑटोमोबाइल के साथ। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फिएट। देख लेते हैं बात आई है CCI की, तो क्या है CCI का फुल फॉर्म और फैक्ट्स क्या बनते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बन जाता है इसका फुल फॉर्म, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हिंदी में कहेंगे। स्थापना इसकी 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा चेयरपर्सन कौन है, तो अशोक गुप्ता है इसके चेयरमैन और सेक्रेटरी PK सिंह हो जाएंगे। तो आई होप कि CCI से रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर हुए होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत का
कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त हुई है एप्पल की कंट्री मैनेजर, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, चूंकि बात आई है एप्पल की, तो एप्पल से भी रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1976 यानी 1976 में की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। सीईओ कौन है, तो टीम कुक इसके सीईओ हो जाएंगे। संस्थापक कौन है, तो स्टीव जॉब्स इसके संस्थापक हैं। अध्यक्ष कौन है, तो आर्थर लेविनसन इसके जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आई होप की चीजें यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, अनवर सागर का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो अनवर सागर जो है यह कौन थे, तो अनवर सागर जो है ये गीतकार थे, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अनवर सागर जो है एक गीतकार थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहली बात तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली क्लासेस आप लोग यहां पर विजिट कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। और आप लोग यहां पर आई और करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है और भी जीके जीएस साइंस की सीरीज से भी आप लोगों को अवगत कराया जाता है, तो उन सीरीज को भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट चीज़ें हम वहां पर डिस्कस करते हैं और 15 से 20 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर्स मैं बना के डालता हूं, तो आप लोगों को काफ़ी फायदा वहां पर पहुंचने वाला है। तो उन सभी लेक्चर्स को भी आप लोग अटेंड कीजिए, क्योंकि इसमें फायदा आप लोगों को ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस वहां पर मैं करवाता हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिन्हें मैं सेलेक्ट करके लाता हूँ और इनकी संभावना काफी हद तक बनते हैं एग्जाम्स में पूछे जाने की। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने रिवीजन सेशन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस का आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन यहां पर कराया जाता है, जिससे इसी वीडियो लेक्चर में आप लोगों को चीजें अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही है, तो 30वां स्थान मिला है इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, तो यह जीता है कृतिका पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, तो राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में यूनिक ट्विन समिट जो है की मेजबानी कौन करेगा, तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य की पुलिस ने जो है स्पंदन अभियान शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसका नाम मेरा वतन है, तो यह जम्मू मेरा वेतन है, तो मेरा वेतन जो है जम्मू और कश्मीर के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, सैलरी ट्रैकर ऐप है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने वाला बैंक कौन सा बना है, तो इंडस इंड बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है, तो ब्रिटेन के द्वारा यह मेजबानी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अमेरिकी देशों को कौन सा तूफान प्रभावित किया है, तो अमांडा जो है इसने प्रभावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है किस देश की जिलो मॉल मैरियट थॉमसन जो है ये बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई है, तो भारत की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी पिगट ऐसे को किस कंपनी के लिए विलय किया है, तो फिएट क्रिसर ऑटोमोबाइल्स के द्वारा इसे विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, किस कंपनी ने एप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त कर दिया है, तो एप्पल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर सागर का निधन हुआ है, यह कौन है, तो गीतकार थे। तो आई होप की चीजें आप लोगों को इस वीडियो में पसंद आई होंगी। जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे आप लोगों के सामने डिस्कस किया गया है। आई होप की सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश जरूर से जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साइंस की जो भी क्लासेस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स करवाए गए हैं उन सभी टॉपिक से आप लोग अवेयर हो जाइए, क्योंकि जानकारी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सभी वीडियो लेक्चर्स को आप लोग अटेंड कीजिए। चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।